दोस्तों लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया इंडिया वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट T20 मैच में श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और इंडियन टीम को बैटिंग करने का मौका दिया और इस मौके पर चौका लगाते हुए हमारे दोनों ओपनर्स ने 111 रनों की ओपनिंग साझेदारी कर डाली। इसके बाद रोहित शर्मा 32 गेंदों पर 44 रन बनाकर आउट हो गए और श्रीलंकाई टीम को लगा अब चलो थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन इसके बाद 3 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने मिलकर ऐसा होने नहीं दिया और दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर श्रीलंकाई बॉलर की जमकर धुलाई। इसके बाद ईशान किशन अपने शतक तक पहुंचने ही वाले थे, लेकिन दसुन सनका की एक गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में कैच आउट हो गए और वे अपने शतक से 11 रन दूर रह गए। दोस्तों ईशान किशन के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर और ज्यादा आक्रामक अंदाज से बैटिंग करते हुए टीम इंडिया का स्कोर 199 तक पहुंचा दिया। इसके बाद 200 रनों का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और वे 20 ओवरों में मात्र 137 ही रन बना सके और भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार और वेंकटेश अय्यर ने 2-2 विकेट लिए और टीम इंडिया ने ये मैच 62 रनों से जीत लिया।